करना है बेटा इस एक्सरसाइज में जो ये सेंटेंस दिए गए हैं बेटा यहां ये पिक्चर बनी हुई है सेंटेंस के रिगार्डिंग यस तो उनको हमें फिल करना है कंप्लीट करना है ए और एन के साथ यस ओके विच इज द इज़ द फ्रूट यस ऑरेंज Yes, kids. Orange. Orange is a fruit. Yes. इससे पहले हमें A fill करना है या एन? You just tell me. Yes. Okay. Very good. Yes, बेटा मैम ने बताया है जो हमारा वर्ड होता है उसका जो बिगनिंग लेटर है होता है उसके हम कंसीडर करते हैं तो बिगनिंग लेटर क्या है हमारा ऑरेंज का ओ इट मीन दिस इज कौन से होते हैं बेटा होते हैं ना आई ओ यू तो ओ आया ना बेटा उसमें तो सिंपल यहां हमें क्या लिखना है बेटा क्लियर हो गया ना एन एन क्स्ट इज कैरेट यस कैरेट इज रेड इन कलर तो कैरेट से पहले क्या फिल करना है वही मेथड आपको यूज करना है फर्स्ट लेटर कंसिडर करते हैं तो यहां हम देख रहे हैं कि ये जो इसका बिगन लेटर है वो क्या है बेटा कॉन्सोनेंट वॉबल नहीं है तो सिंपल यहां क्या आएगा बेटा A, a carrot is red in color. Yes. Next sentence is, he lives in blank igloo. Yes. ये इग्लू है ना बेटा इग्लू कहाँ बनाए जाते हैं जहाँ बर्फ बर्फ होती है यस yes. आइसलैंड में हम क्या बनाते हैं इग्लू यस बर्फ का घर बनाते हैं तो अब हम इग्लू में फर्स्ट लेटर इसका कंसीडर करते हैं यस दिस इज अ अवल यस इससे पहले क्या करेंगे एन ए एन यस क्लियर बर्ड्स आर ऑन यस लुक एट द ट्री बर्ड्स आर ऑन अब ए एक फिल करेंगे हम या एन वेरी गुड या हम क्या फिल करेंगे बेटा ए यस नेक्स्ट इज अंब्रेला अंब्रेला इज यूज इन रेनी सीजन यस तो अम्ब्रेला से पहले ब्लैंक है तो हमें यहां क्या फिल करना है बेटा री गुड आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया है कि हम वॉवल से पहले एन यूज करेंगे यस नॉट ए ए हम यूज करेंगे कॉन्सोनेंट से पहले यस yes? जैसे यहां मैंगो है मैंगो से पहले ब्लैंक है तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे बेटा ए ए मैंगो इस kept on the plate yes a mango is kept on the plate next is ram has ram has an arrow yes to me kya likhoge an an arrow z Is sitting in. Rat is sitting in the in a hat. तो यहाँ क्या आएगा बेटा ए Rat इज सिटिंग इन अ हैट यस तो आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है बेटा आप इसको कंप्लीट करेंगे पिक लेंगे और मैम को सेंड करेंगे Thank you. Have a nice day.